दोस्तों, आज का वीडियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है और वो टॉपिक है चार्जर की रेटिंग देखना कि आपका चार्जर स्लो है या फास्ट है या बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तो वो देखते कैसे हैं। मैं आपको देखना सिखाता हूँ। और ये मेरे पास ओप्पो कंपनी का चार्जर है और मैं आपको इसकी रेटिंग देखना सिखाता हूँ कि इसकी रेटिंग कैसे देखेंगे। अगर आप आउटपुट देख पा रहे हैं, आउटपुट में लिखा हुआ है 5 वोल्ट 1 एम्पियर। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 वोल्ट और 1 एम्पियर का, मीन्स रिज़ल्ट आएगा 5 वॉट। तो ये रेटिंग हो गई 5 वॉट, मीन्स ये अभी काफ़ी स्लो चार्जर है ये 5 वॉट का। अब तो आपको पता ही होगा 30 वॉट से ऊपर के चार्जर अवेलेबल हो गए हैं मिड रेंज जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें। तो ये 5 वॉट तो बहुत ही कम हो जाता है, कम से कम 10 वॉट का चार्जर तो होना ही चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि 5 वॉट के चार्जर से अगर आप चार्ज करेंगे फ़ोन को तो बहुत ही स्लो चार्ज होता है। इसलिए कंपनियों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि अब वो अपने फ़ोन में कम से कम 10 वॉट का चार्जर साथ में दें, तो ये 5 वॉट तो बहुत ही कम हो जाता है। इसके अलावा मेरे पास MI कंपनी का MI Note 8 का ये फास्ट चार्जर है, 18 वॉट का फास्ट चार्जर है। इसकी आउटपुट है 9 वोल्ट 2 एम्पियर, इस पर लिखी हुई है। अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो ये 9 वोल्ट 2 एम्पियर है, इस पर मीन्स ये 18 वॉट का फास्ट चार्जर है। और मैं एक और सलाह देना चाहूँगा दोस्तों कि आपके पास जो फ़ोन हो केवल उसी कंपनी के चार्जर का यूज़ कीजिए और किसी चार्जर का यूज़ उसे चार्ज करने के लिए मत कीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका फ़ोन सपोर्ट करता है स्लो चार्जिंग को लेकिन आप उसमें फास्ट चार्जर फंसा रहे हैं, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके फ़ोन के साथ जो चार्जर आया हुआ है केवल वही चार्जर अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए कीजिए, क्योंकि आउटपुट अलग अलग होती हैं। किसी की 9 वोल्ट 2 एम्पियर होती है, किसी की 9 एम्पियर 2 वोल्ट होती है, सबकी अलग अलग होती है। जनरली मतलब एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि सबकी अलग अलग होती है, लेकिन आप चार्जर वही यूज़ कीजिए जो कंपनी के साथ आया हुआ है। ओके दोस्तों, थैंक यू।